अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो आप लोग जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस कर रहे थे कि वो जो मैंने कहवा पिया था ना, जब मुझे मसला बना हुआ था, अभी भी मैं पी रही हूँ। और वो उसकी रेसिपी जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। अभी मैं बनाने लगी थी तो मैं आप लोगों के साथ जो है वो रिकॉर्ड करके शेयर कर देती हूँ, ठीक है। तो वो मैंने बाल शैम्पू किए थे तो वो कासी कैप पहन लिया उन्होंने ऊपर। चलें मैं बैक कैमरा ऑन करती हूँ, आपको दिखाती हूँ, ठीक है। मसला क्या बना हुआ था ये बताया? वो पता है ना, सिस्ट की वजह से मैंने लिया। सिस्ट का बताना था ना। ओके भाई, तो ये जो कावा है ये सिस्ट में मैंने पिया था। और ज़रूरत नहीं है कि अगर आपको सिस्ट का इशू है तभी आप पियो, आप इसको वैसे भी पी सकते हो अगर आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं आते। और मुझे इस तरह की वीडियो बनाने में कोई शर्म कोई आर महसूस नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है कि ये बहुत ही कॉमन मसला है। मैं पूरे 5-6 महीने इस चीज़ से गुजरी हूँ। मैंने पेन बर्दाश्त किया, मैंने वेट गेन किया, मेरा हेयर फॉल हुआ इतना शदीद कि मेरे पूरे फ्रंट के जो बाल हैं, अपने इंस्टाग्राम पर देखे होंगे, मैंने आपको दिखाए थे, गिर गए थे। और मुझे दर्द होती थी बहुत शदीद वाली, मैं झुक नहीं सकती थी, मेरी कमर पर हाथ रख के मैं चलती थी। और आज भी मेरे घर पर एक माँ और उनकी बेटी आई थी, सेम यही मसला लेके, कि वो कंसीव नहीं कर पा रही, उसकी शादी को जो है वो 6-7 मंथ हो गए। तो ये मसला इतना कॉमन है कि मैंने इस पर वीडियो बनाई थी इसी वजह से कि अवेयरनेस नहीं है लोगों को। तो लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ही ऑपरेशन की तरफ चले जाते हैं। मैंने भी बहुत डॉक्टर के पास फिरा, बहुत पैसे ज़ाया किए। लास्ट में आके मैंने अम्मी का टोटका इस्तेमाल किया था और देसी टोटके से मुझे आराम आया था। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने 2 गिलास पानी के लिए, उसके बाद आपको नज़र आ रहा है, मैं इसमें 2 बड़े वाले स्पून जो है वो मेथी दाने के डाल रही हूँ। मेथी दाने या मेथरे कुछ भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। मेथी दाने की जो चाय होती है ना, वो सिस्ट के लिए बहुत ही अच्छी होती है, किसी भी टाइप की आपको सिस्ट है, सिवाय इसके कि अल्लाह ना करे आपकी सिस्ट जो है वो कैंसीरियस है या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो उसमें जो है उसका हल होता है ऑपरेशन। अगर सिस्ट बढ़ नहीं रही है और आपने वो जो टेस्ट होते हैं CA125 NA125 का, जिसमें पता चल जाता है कि आपको कैंसर नहीं है सिस्ट के अंदर, तब आप जो है इस टोटके की तरफ जाना। क्योंकि मैंने भी पहले वो वाले टेस्ट करवाए थे ब्लड के, जो डॉक्टर ने बताए थे कि देखें सिस्ट कैंसीरियस तो नहीं है। जब मेरा वो टेस्ट क्लियर आया था उसके बाद मैं इस टोटके पर आई हूँ, उससे पहले मैं कोई टोटका नहीं कर रही थी कि सिस्ट जो है वो बर्स्ट ना हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको नजर आया, मैंने 2 चम्मच मेथी दाना डाला, 1 चम्मच कलौंजी डाली। कलौंजी में आप सबको पता है मौत के सिवा हर चीज़ से शिफा है। उसके बाद मैं यहाँ पे फुल 1 चम्मच जो है वो अजवाइन डालूंगी। अजवाइन आपको पता है कितनी यूज़फुल है, मेथी दाना सिस्ट के लिए स्पेशल यूज़ होता है। आप अपने घर के बड़ों से पूछेंगे ना, आपको वो भी बताएंगे, अगर आपको पीरियड्स रेगुलर नहीं आ रहे आप अजवाइन का कावा पिए, आपको सिस्ट है, पानी की थैलियाँ बनी हुई हैं, कुछ भी हैं, तो आप मेथी दाने की चाय पिए। उसमें भी सेम यही मेथड होता है कि जी 2 कप पानी लो, उसमें 2 चम्मच मेथी दाना डालो, उसको बॉयल करो, जब वो 1 कप रह जाए तो आप उसको पी जाओ। अब आपको समझ में आ गया, मैंने 2 कप पानी लिया था, उसमें 2 चम्मच मेथी दाना डाला था, 1 चम्मच कलौंजी और 2 चम्मच जो है मैंने उसके अंदर अजवाइन के डाले थे, ठीक है। कलौंजी जो है वो 1 चम्मच यूज़ करनी है। उसके बाद गुड़ होता है, पुराना गुड़ जो पंसार से मिलता है, नया गुड़ नहीं, पुराना गुड़, उसके मैंने 1 गुड़ के 4 पीस करती हूँ मैं। और 1 पीस जो है वो 1 कप में यूज़ होता है, वरना बहुत मीठा हो जाता है और पिया नहीं जाता। और कभी कभार मैं ऐसा करती हूँ कि 2 कप बना लेती हूँ इकट्ठे, मतलब कभी कभार मैं दिन में 2 दफ़ा पीती हूँ, कभी 3 दफ़ा, और सिर्फ और सिर्फ पीरियड्स में पीती हूँ। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, आम रूटीन में नहीं पीना आपने भी, जब आपको पीरियड्स के, मुझे तो अपनी डेट याद रहती है, तो मैं फिर जब मेरी डेट होने वाली होती है या मुझे एक स्पॉट लग जाता है, मुझे पता चल जाता है कि अच्छा आज स्टार्ट हो गए हैं, तो फिर मैं फ़ौरन से कावा पी लेती हूँ। और ये 2nd मंथ है कि मैंने ये काढ़ा बना के पिया है, ठीक है। इसको आपने ढक देना है ताकि स्टीम जो है इसके अंदर ही रहे, और जब ये पक पक के 1 कप रह जाएगा तब आपने इसको छान के पी लेना है। और इसके अंदर आपने ऑयल लाजमी डालना है, अगर आप इसको ऑयल के बगैर पियोगे तो ये आपको इतना फ़ायदा नहीं देगा। अब आप देखें यहाँ पे मैंने पकने रख दिया है, अब ये पक जाएगा तो मैं इसको अपने कप में डालूंगी और फिर मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा वेट करते हैं। कावा रेडी हो गया है, साथ साथ मैंने 2 उबालने के लिए रखा है, साथ साथ जो है मैंने आटा गूंदा था तो वो तेल बनाने के लिए रख दिया है मैंने। आज अल्लाह के कदम से काम वाली भी नहीं आई थी, बर्तन जो है अभी सफाई दे गई है, लेकिन मेरी खैर काढ़ा हो गया है, इसको कप में डालने लगी हूँ, ठीक है। आप देखें खदर खदर पे इतना रह गया, ठीक है। और इसकी खुशबू जो है ना वो बहुत मज़े की होती है, गुड़ की खुशबू आती है बहुत ही अच्छी। अब इसको हम छानने लगे हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाह, चलें जी। मकास छाने और चूल्हे पे ना गिरे ऐसा हो सकता है, ऐसा मैं होने नहीं दूँगा। अच्छा, अब ये जो इसमें बचा हुआ है ना, इसको फेंकना नहीं है, ठंडा हो जाए, इसको ग्राइंड करें, दही में मिक्स करें, बालों पे लगा लें, बहुत ही अच्छा मास्क है बालों के लिए। ओके जी, तो उसके बाद जो है इसमें हमने डालना है थोड़ा सा फ्लेक्सीड ऑयल। और अगेन बता रही हूँ, ऑयल के बगैर ये काढ़ा वर्क नहीं करेगा। अगर आपके पास वर्जिन ऑलिव ऑयल है ना तो आप वो यूज़ करें, वो सबसे बेस्ट है। मेरे पास फ्लेक्सीड था चिल्तन वालों का, तो मैंने वही यूज़ किया। ओके भाई, अभी देखिए मैंने ऑयल को अच्छे से मिक्स कर लिया इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ लोग पूछ रहे थे कि पीना कब है, तो कभी भी इसको खाली पेट नहीं पीना, नाश्ते के बाद 1/2 घंटे या 1 घंटे बाद, ठीक है। खाने के 1/2 घंटे या 1 घंटे बाद, रात के खाने के 1/2 या 1 घंटे बाद, ठीक है। मैं जो है इसको 1-1 घंटे बाद पीती थी,
और मैंने जो है कभी दो दफ़ा पिया है और कभी तीन दफ़ा पिया है, और इससे जो मेरे सिस्ट का जो रीज़न मुझे डॉक्टर ने बताया था जिस वजह से मुझे बनी है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में सारे रीज़न बताए थे कि इस वजह से बनती है, जो मेरी सिस्ट बनी हुई थी ना वो मेरी थी तो सिंपल सिस्ट थी जो कि मुझे बनी थी पीरियड्स ना आने की वजह से, वो थी फॉलिकुलर सिस्ट कुछ होती है, लेकिन मेरी उस सिस्ट में अनफॉर्चुनेटली इन्फेक्शन हो गया था, यूरिनरी जो इन्फेक्शन होता है वो ट्रैवल कर गया था मेरा सिस्ट की तरफ और गुर्दों की तरफ। आपको मेरी शक्ल पर भी स्वेलिंग और डार्क सर्कल्स काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे, तो वो सब उसी रीज़न से था। तो जब वो सिस्ट जो का जो इन्फेक्शन जो था जब वो सिस्ट में ट्रैवल किया था तो उसकी शक्ल बिगड़ गई थी, लेकिन अल्लाह के बहुत बहुत करम से मैंने और ज़्यादा लेट नहीं किया पेन को, फिर मैंने चली गई डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने एंटीबायोटिक्स दी मुझे और उस एंटीबायोटिक्स जो है मेरा जो इन्फेक्शन था वो 5 डेज़ में ख़त्म हो गया। फिर जब हमने दोबारा टेस्ट करवाया तो डॉक्टर ने बोला अब इन्फेक्शन आपको नहीं है लेकिन फिर भी आप एहतियातन जो है वो CA125 का टेस्ट करवा लें जिससे पता चलता है कि सिस्ट जो है वो कैंसीरियस नहीं थी। तो वो टेस्ट भी फिर मैंने बहुत डर डर के अल्लाह से दुआएं मांग मांग के करवाया था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत हुआ था कि उसमें नहीं थी। अच्छा, उसके अलावा कावा जो है वो आपने ल्यूक वार्म पीना है, ठंडा पीने का कोई फायदा नहीं है, जितना गर्म पियेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। भाई तो अभी जो है मैं अबू लोग घर से आई हूँ, वहाँ पे दावत थी सबकी, ईद की दावत जो थी, क्योंकि तब टाइम नहीं मिला था, सब आए हुए थे वहाँ पे, ताए अबू लोग, चाची लोग, सबके सब। तो फिर मैंने आते के साथ जो है वो कहवा बनाने के लिए रख दिया था, मैं दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से। ये देखें जी मेरा कहवा तैयार हो गया, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बनाया है अभी जो है, क्योंकि मैंने कहा मैं दो दफ़ा पी लूँगी, क्योंकि मैंने आज दिन में एक ही दफ़ा पिया था, मैं कभी दो दफ़ा पीती हूँ कभी तीन दफ़ा पीती हूँ। तो अभी आप देखें अगेन जो है यहाँ पे मैंने कावा बना लिया है, ठीक है, अब मैं इसको छानूंगी कप के अंदर। और भाई दूसरी चीज़ यह है कि अगर आपको तसल्ली होती है तो आप इसको बना के पीना, इसका कोई नुकसान नहीं है बिल्कुल भी, और ये जो है ना आपका खाना भी डाइजेस्ट करता है, आपका वेट भी अगर गेन हुआ हुआ है तो वो भी कम हो जाता है इसकी वजह से। अब जैसे मैं अपना वेट जो है वो कम करने की कोशिश कर रही हूँ जो मैंने सिस्ट की वजह से गेन किया है, अभी जो आज की डेट में मेरा वेट है वो 56 kg है, वरना मेरा वेट जो है वो 48 से 50 के रेंज में दरमियान में रहता है। खैर अब यहाँ पे डाल लिया है, अब इसको ऑयल वगैरह मिक्स करूँगी, वीडियो आप लोग मांग रहे थे तो मैं बना नहीं पा रही थी, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी, अगर आप लोग इंस्टाग्राम देखते हो आपको पता हो, तो मैंने अब आप लोगों के लिए वीडियो बना दी है, अपलोड भी कर दी है, सारा गाइड भी कर दिया। अल्लाह पाक आप सबको भी शिफाए काम मिला और आजिल आता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।